और एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अमेरिका के बैन के बाद भी टर्की की मनमानी जारी है। टर्की बनाएगा F-35 फाइटर जेट्स के पार्ट्स। यूएस ने टर्की को 2019 में जॉइंट प्रोग्राम से बाहर किया था। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद के बाद यूएस ने टर्की पर बैन लगाया है। और नए केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 29 दिन से किसान आंदोलन जारी है और किसान आज वेबिनार पर कृषि कानून की कमियों को बताने जा रहे हैं। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच की तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। किसान अपने मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार और किसानों के बीच कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सब बेनतीजा रही, क्योंकि सरकार बिल में संशोधन को तैयार है, लेकिन किसान कृषि बिल को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। इसी बीच आंदोलन कर रहे किसान वेबिनार करेंगे और कृषि कानून की खामियों को बताएंगे। सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि किसान संगठन सरकार से बात करने को तैयार है या नहीं। इस बीच महाराष्ट्र के 3,000 से अधिक किसान भी दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। इधर कृषि कानून के विरोध में आज राहुल गांधी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे और करीब 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर का ज्ञापन सौंपेंगे, और ये सब कुछ कृषि कानून के खिलाफ। कृषि कानूनों पर समर्थन और विरोध में आवाजें जुटाई जा रही है। जहां सरकार नए कृषि कानून के फायदे बता रही है, वहीं आंदोलन कर रहे किसान कृषि कानून में कमियां गिना रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ कांग्रेस मुख्यालय से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर 2 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें कृषि कानून को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। कृषि कानून के खिलाफ किसान के आंदोलन को और आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था, जिसमें 2 करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। और कृषि कानूनों पर राजनीति को लेकर बीजेपी ने लेफ्ट और टीएमसी पर जमकर निशाना साधा है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को लगभग 1 महीना होने वाला है। एक तरफ किसान कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। बीजेपी ने किसान आंदोलन को हाईजैक करने के लिए लेफ्ट पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में दशकों तक किसानों का शोषण होता रहा है, वहाँ टीएमसी और वामपंथियों की सरकार है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर निशाना साधते हुए संबित पात्रा ने कहा कि लेफ्ट किसानों को एपीएमसी पर गुमराह कर रही है, क्योंकि केरल में पहले से ही एपीएमसी व्यवस्था नहीं है। दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन की वजह से पंजाब रोडवेज पर काफी असर पड़ा है। अभी पंजाब रोडवेज को हर दिन लाखों रुपए का घाटा हो रहा है। पंजाब रोडवेज ने बताया कि दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के बैठे होने की वजह से बसें सीधे दिल्ली तक नहीं पहुंच रही है और इसी वजह से पंजाब रोडवेज को घाटा हो रहा है। पहले पंजाब रोडवेज की सैकड़ों बसें चलती थी, जो अभी काफी कम हो गई है। सीधे दिल्ली तक बस नहीं जाने की वजह से यात्री कम हुए हैं। हर दिन पंजाब रोडवेज को 6 से 7 लाख का घाटा हो रहा है। पहले की तुलना में सिर्फ 25% बसें चल रही है। पंजाब रोडवेज की बसें पानीपत तक ही आ रही है। रोडवेज को अभी सिर्फ 1 या 2 लाख ही मिल रहे हैं। लगातार जारी आंदोलन की वजह से बसें दिल्ली तक पहुंच रही है। और किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने अटल जी की जयंती पर किसानों के खाते में 18,000 करोड़ जमा करने का ऐलान किया है। 25 दिसंबर यानी कल अटल जी की जयंती पर 2 घंटे के अंदर ये रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जिससे 9 करोड़ किसानों को डायरेक्ट लाभ मिलेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका ऐलान करते हुए किसानों से चर्चा और गतिरोध खत्म होने की उम्मीद जताई है। इस योजना के लाभार्थी 6 राज्यों के 6 किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। कार्यक्रम को ब्लॉक स्तर पर भी आयोजित किया जाएगा। 2 करोड़ किसान इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। साथ ही कृषि मंत्री ने MSP पर किसानों को फिर भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।